अगर आप लोगों को गिट और गिटअप के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, आप लोगों को नहीं पता है कि गिट गिटअप के अंदर हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर आप लोग पूरा गिट और गिटअप के बारे में जानने वाले हो। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोग सीखोगे कि कैसे आप लोग कोड को कमिट कर सकते हो, कैसे आप लोग पुल रिक्वेस्ट को क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप लोग अपने कोड को पुश कर सकते हो। इन सारी चीजों के बारे में, इन सारे टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम लोग डिटेल के अंदर जानने वाले हैं। आज की ये वीडियो को देखने के बाद आप लोग ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन कर पाओगे, आप लोग पुल रिक्वेस्ट को क्रिएट कर पाओगे, आप लोग कॉर्पोरेट रेडी हो जाओगे, जिसके थ्रू आप लोगों की कंपनी के अंदर हायर होने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वाली वीडियो को अंत तक जरूर देखे जाना एंड बिना देर की चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे आप लोगों को लिखना है गिट डाउनलोड। इतना बेसिक सा काम आप लोगों को करना है। यहाँ पे आप लोगों के पास पहला सा लिंक आएगा, आप लोगों को विंडोज मशीन है तो आप लोग ये वाले लिंक पे क्लिक कर देना एंड यहाँ पे आप लोगों के पास विंडोज के इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। अगर 64 बिट इंस्टॉलर है तो ये वाला डाउनलोड कर लेना, अगर 32 बिट इंस्टॉलर है तो ये वाला डाउनलोड कर लेना। ये बेसिक से डाउनलोड के स्टेप्स है, आप लोगों को नेक्स्ट 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 करना है एंड आप लोगों का जो भी डाउनलोड है वो डन हो जाएगा। अगर मैं मैक के लिए कर रहा हूँ तो मैं इसके लिए ब्रू का यूज करूंगा, ब्रू इंस्टॉल गिट। अब मेरा जो मैक है ना उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगता है गिट को इंस्टॉल करने में, तो मेरा जो गिट है ना वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन आती है ना आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है आप लोग वहां पे जाके पूछ सकते हो, आप लोगों के जो भी डाउट्स है ना आप लोगों के वहां पे रिजोल्व हो जाएंगे। तो आप लोगों को नेक्स्ट नेक्स्ट करके गिट को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, आप लोगों को अपना टर्मिनल ओपन करना है एंड इस टर्मिनल के अंदर आप लोगों को लिखना है गिट डैश डैश वर्जन एंड यहाँ पे आप लोगों को गिट का अगर वर्जन लिख के आ रहा है ना तब आप लोगों का जो भी गिट है ना वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब आप में से कुछ लोगों का यहाँ पे कुछ केस होगा कि यहाँ पे आप लोगों का जो भी गिट है वो नॉट रिकॉग्नाइज्ड आ रहा होगा या फिर कुछ और एरर यहाँ पे शो हो रहा होगा, उस केस में आप लोगों को क्या करना है अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर जाके उसका पाथ जो भी है उसको ऐड कर देना है। अब ये विंडोज के अंदर आप लोगों को देखना पड़ेगा कि कैसे करना है, मैं आप लोगों को मैक के अंदर ये सेम चीज़ नहीं बता सकता, मैक के अंदर ये चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाती है। अगर आप लोगों को विंडोज के अंदर कुछ भी दिक्कतें आ रही है आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे मैसेज कर सकते हो, दैट इज वन थिंग। अब आप लोगों को जो भी गिट है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं क्या करूँगा github.com पे जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक न्यू रेपो क्रिएट करूँगा github ट्यूटोरियल करके, ठीक है। मैंने इस रेपो को यहाँ पे क्रिएट कर दिया, मैं इसको पब्लिक ही रखूँगा ताकि आप लोग भी इसको एक्सेस कर पाओ। उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसको ऐड अ रीडमी फाइल पे अगर आप लोगों को क्लिक करना है तो कर देना, वरना कोई ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं रहती है यहाँ पे। उसके बाद आप लोगों को कर देना क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक, यहाँ पे आप लोगों की एक रेपो क्रिएट हो जाएगी गिटहब के ऊपर। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे गिटहब के ऊपर एक अकाउंट को क्रिएट करना है एंड उसके बाद आप लोग आसानी से एक न्यू रेपोजिटरी को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ एक बड़ा सा चीज़ लिख के आ रही है, आप लोग इन सारे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो एंड हम लोग भी इन सारे स्टेप्स को यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, गिट इनिट करना है। अब इसके थ्रू क्या होगा, सपोज करो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर को ओपन करके रखा हुआ है बाय डिफॉल्ट, नहीं किया क्या, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैं क्या करूँगा अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर डमी गिटहब ट्यूटोरियल एंड इसको ओपन कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो फोल्डर है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरा जो भी टर्मिनल है यहाँ पे जो भी टर्मिनल के अंदर जाके न्यू टर्मिनल पे आप लोग क्लिक कर देना, आप लोगों का भी टर्मिनल खुल के आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा गिट इनिट। अब इसके थ्रू क्या होगा, यहाँ पे जो एक एम्प्टी गिट रिपोजिटरी है ना वो यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगी, मैं यहाँ से जो भी काम है ना वो अपना यहाँ पे करना शुरू कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे ही गिट इनिट लिखूंगा ना यहाँ पे इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन दर जो भी पाथ यहाँ पे आप लोगों का स्पेसिफाइड है ना उसके अंदर आप लोगों की जो भी एक डेमो गिट रिपोजिटरी है वो यहाँ पे आप लोगों की सेटअप हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे भी इन्होंने कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, आप लोग डायरेक्टली इन वाले स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, मैं क्या करूँगा सबसे पहले इस वाली चीज़ को ऐड करूँगा गिट रिमोट एड ओरिजिन, ठीक है। इसके थ्रू क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे इसके थ्रू, इस वाले कमांड के थ्रू जो हम लोगों ने गिटहब के ऊपर एक रेपो बनाई है ना उसको अपने लोकल कोड बेस के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो कमांड है ना ये बेसिकली आप लोगों को जो भी रिमोट है वो आप लोगों के डेस्कटॉप के अंदर ले आएगा। आप लोगों को क्या करना है सिर्फ इसको लिख के कॉपी पेस्ट करके इसको एंटर हिट कर देना एंड आप लोगों का जो भी रिमोट है वो यहाँ पे सेटअप हो चुका है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या करोगे गिट पुश यू ओरिजिन मेन, ये वाली जो चीज़ आप लोग यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। मैं क्या करूँगा जी मैंने कॉपी करना भूल गया था, तो यहाँ पे गिट पुश ओरिजिन मेन। अब यहाँ पे कुछ कह रहे हैं कि फेल टू पुश सम रेफ्स ऑन गिटहब जो भी गिटहब ट्यूटोरियल की जो रेपो है उसके अंदर, क्यों नहीं कर पाया ये, क्योंकि आप लोगों ने कुछ भी यहाँ पे पुश नहीं किया, कुछ भी आप लोगों ने यहाँ पे ऐड नहीं किया। मैं यहाँ पे क्या करूँगा एक index.js नाम की एक फाइल को क्रिएट करूँगा एंड उसके अंदर मैं console.log हेलो वर्ल्ड कर दूंगा, ठीक है। मैंने हेलो वर्ल्ड यहाँ पे किया। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे आप लोगों को कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं इन्होंने। अब उससे पहले, उन स्टेप्स को समझने से पहले मैं आप लोगों को पूरा वर्क फ्लो समझाता हूँ कि गिटहब कैसे काम करता है। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं हमारे जो भी राइटिंग का जो भी टैब होता है उसके अंदर। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गिटहब होता क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे पहले लेते हैं गिटहब होता क्या है। गिटहब होता है आप लोगों का वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम।
वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। अब इस वर्जन कंट्रोल सिस्टम के थ्रू आप लोगों ने जो भी कोड के अंदर चेंजेस किए हैं आप लोग उसको ट्रैक कर सकते हो। सपोज करो आप लोगों ने क्या किया, एक फाइल को क्रिएट किया index.js नाम की, ठीक है। अब उस फाइल के अंदर आप लोगों ने लिखा था console.log hello world, ठीक है, आप लोगों ने लिखा था hello world उस वाली फाइल के अंदर। अब सपोज करो आप लोगों ने उसके अंदर चेंजेस कर दिए, सपोज करो आप लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो इसको आप लोगों ने पुश कर दिया, आप लोगों ने क्या किया इसको सबसे पहले तो आप लोगों ने पुश कर दिया, उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, उसके बाद आप लोगों ने क्या किया उसके अंदर कंसोल लॉग वाली जो स्टेटमेंट है उसके अंदर हेलो वर्ल्ड की जगह ना हेलो दुनिया लिख दिया। अब ये वाला जो चेंज है, ये वाला जो चेंज आप लोगों ने अपने दिमाग के अंदर तो ट्रैक कर लिया कि मैंने ये वाली चीज़ यहाँ पे चेंज किया है, लेकिन क्या आप लोग इतनी सारी चीज़ों को ट्रैक कर पाओगे जब आप लोगों के पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे कि जब मैंने ये वाली चीज़ यहाँ पे ऐसे चेंज की थी, यहाँ पे ऐसा सा कोड के अंदर हमारे चेंजेस हुए थे, क्या आप लोग उन सब चीज़ों को ट्रैक रख पाओगे? नहीं रख पाओगे, है ना। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे गिटहब का यूज़ करोगे। जो गिट होगा ना आपका, जो गिट होता है, गिटहब आप लोगों का डिफरेंट होता है, गिटहब आप लोगों को गिट के ऊपर बना होता है जिसके थ्रू आप लोग अपना जो भी कोड है उसको मैनेज कर सकते हो। गिट के ऊपर हमारे पास और भी कई सॉफ्टवेयर है जो बने हुए हैं, जैसे कि GitLab भी होता है हमारे पास एक, जो कि सेम गिट के ऊपर ही बना हुआ है, जिसको भी आप लोग यूज़ करके देख सकते हो। बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को क्या होता है, अगर आप लोगों को चेंजेस को ट्रैक करना है ना, तब आप लोग GitHub का यूज़ करते हो, एज सिंपल एज दैट। तब भी आप लोग गिट का यूज़ करते हो तब जब आप लोगों को चेंजेस को ट्रैक करना होता है, एज सिंपल एज दैट। आप लोगों को अगर चेंजेस को ट्रैक करना है तब आप लोग इसका यूज़ करोगे। सबसे पहले अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक index.js नाम की फाइल क्रिएट की। अब हम लोगों ने एक न्यू फाइल क्रिएट की, तो VS Code यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्रीन कलर के अंदर इसको दिखा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने एक फाइल को यहाँ पे क्रिएट किया, तब ये कह रहे हैं कि आप लोग इसको पुश कर सकते हो। आप लोगों ने जो नई फाइल क्रिएट किया है ना, अब आप उसको पुश कर सकते हो। तब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गिट ऐड डॉट करूँगा। अब ऐड डॉट करने से क्या होगा, बेसिकली जो गिट ऐड वाला कमांड है उससे क्या होगा, बेसिकली सपोज करो मैं यहाँ पे गिट ऐड लिखता हूँ, गिट ऐड डॉट। अब इस कमांड के थ्रू क्या होगा, अब जब भी हम कोड को पुश करते हैं हमारे पास एक स्टेजिंग एरिया होता है, स्टेजिंग एरिया होता है जो कि हमारे जो भी कोड है उसको रखता है। अगर आप लोगों को अपने चेंजेस को पुश करना है, अगर आप लोगों को अपने चेंजेस को क्लाउड के अंदर स्टोर करना है ना, तब आप लोग क्या करोगे, अपने जो भी चेंजेस है ना उनको अपने पास एक स्टेजिंग एरिया के अंदर रख दोगे। अगर आप लोगों ने WWE देखा होगा, वहाँ पे जो रेसलर्स होते थे वो क्या सीधा पर्दे से निकल के आ जाते थे? बिल्कुल भी नहीं होता था ना, पीछे एक स्टेजिंग एरिया होता था जहाँ पे वो बैठते थे, उसके बाद ही वो निकल के आते थे, राइट। आप लोगों को गिटहब के अंदर भी ऐसा ही होता है। आप अगर आप लोगों को कुछ भी चेंजेस को यहाँ पे पुश करना है ना, तो सबसे पहले आप लोग उसको स्टेजिंग एरिया के अंदर ऐड करते हो, कभी भी आप लोग उसको डायरेक्टली पुश नहीं करते। आप लोग सबसे पहले उसको स्टेजिंग एरिया के अंदर ऐड करते हो, उसके बाद उसको कमिट करते हो। तो गिट ऐड डॉट वाला कमांड क्या करेगा, आप लोगों को जो भी कोड है ना, आप लोगों का जो भी कोड है उसको स्टेजिंग एरिया के अंदर ऐड कर देगा। स्टेजिंग एरिया के अंदर जब आप लोगों का कोड होगा ना, तब आप लोग उस वाले कोड को पुश कर पाओगे, जब आप लोग उस वाले कोड को कमिट कर पाओगे। अब कमिट क्या होता है, बेसिकली अगर आप लोगों ने स्टेजिंग एरिया के अंदर आप लोगों का कोड है, अब इस स्टेजिंग एरिया वाले कोड को आप लोगों को कमिट करना है अपने जो भी लोकल रेपो है, जो भी आप लोगों की क्लाउड के अंदर रेपो है, अगर आप लोगों को उसके अंदर पुश करना है, तब आप लोग क्या करोगे, कमिट वाले कमांड का यूज करोगे। अब कमिट क्या करता है, आप लोगों का जो भी चेंजेस है ना उसको क्लाउड पे पुश करने का काम करता है, वो बेसिकली आप लोगों के और भी काम करता है। सपोज करो आप लोगों ने डिफरेंट कमिट कर दिए, आप लोगों ने कमिट 1 कर दिया, आप लोगों ने कमिट 2 कर दिया, ठीक है, आप लोगों ने कमिट 2 कर दिया। अब आप लोगों ने क्या किया, सबसे पहले कमिट किया कमिट 1 नाम का, उसके बाद आप लोगों ने क्या कर दिया, कमिट 2 नाम का भी कमिट कर दिया, लेकिन आप लोगों को लगा कि जो कमिट 2 के अंदर मैंने किया है ना वो गलत है, मेरे को कमिट 1 के अंदर दोबारा जाना है। तब आप लोग क्या करोगे, उस वाले कोड के लिए आप लोग क्या करोगे, डायरेक्टली कमिट 1 के ऊपर जा सकते हो एंड वहां से उन चेंजेस को कंटिन्यू कर सकते हो। ये चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाती हैं आप लोगों को गिटहब के थ्रू। अगर आप लोग गिटहब के थ्रू ये सारी चीजें करते हो ना, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती हैं एंड आप लोग बड़े आसानी से इसके ऊपर काम कर पाते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले गिट ऐड डॉट करूंगा, जिसके थ्रू जो भी सारी फाइल्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, अभी तो मैंने एक ही फाइल को क्रिएट किया है, जो भी सारे चेंजेस मैंने यहाँ पे किए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे स्टेजिंग एरिया के अंदर चले जाएंगे। मैं गिट ऐड डॉट करूंगा, यहाँ पे स्टेजिंग एरिया के अंदर चले गए। अगर मैं गिट स्टेटस करूंगा तो मेरे को दिख जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे गिट स्टेटस किया ना, तो यहाँ पे मुझे दिख गया कि ये सारे के सारे चेंजेस जो है ना मैंने किए थे वो सारे के सारे स्टेजिंग एरिया के अंदर बैठे हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इनको कमिट कर सकता हूँ, गिट कमिट डैश एम, एंड जो भी मैंने कमिट किया है, डैश एम का मतलब होता है मैसेज। अगर आप लोगों को अपने कमिट के साथ एक मैसेज भी लिखना है ना, तो वो आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे। मैं यहाँ पे डैश एम में क्या लिखूंगा, क्रिएटेड index.js फाइल, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया और उसके बाद मैं इसको कमिट कर सकता हूँ बाय डिफॉल्ट। अब जब ये चीज मैंने कमिट कर दी, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं पुश कर सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको गिट लॉक करके देख सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे किन किन कमिट्स को यहाँ पे पुश किया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने गिट कमिट करके यहाँ पे एक कमिट कमांड हमारे पास आ चुका है। अब अगर आप लोगों ने और भी कमिट्स को यहाँ पे किया, सपोज करो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नया टर्मिनल क्रिएट कर लेता हूँ। अब आप लोगों ने कमिट तो कर दिया चेंजेस को, अब सपोज करो मैं यहाँ पे चेंजेस को कुछ चेंज कर देता हूँ। सपोज करो मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जगह हेलो दुनिया कर
देता हूँ, ठीक है, हेलो दुनिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको भी गिट एड डॉट करके सबसे पहले स्टेजिंग एरिया के अंदर डालूंगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, गिट कमिट डैश एम करके इसको मैं क्या करूँगा, चेंज्ड वर्ल्ड टू दुनिया। अब आप लोगों को ये वाले मैसेजेस जो है ना वो डालने बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि आप लोग अपने चेंजेस को अच्छी तरीके से ट्रैक कर पाओ। आप लोगों को जो भी डेवलपर है, जो भी आप लोगों के साथ में काम कर रहा है, उसको भी पता चल पाए कि आप लोगों ने क्या यहाँ पे चेंजेस किए हैं। आप लोगों को इसको कमिट करना है। एंड उसके बाद अगर आप लोग देखोगे गिट लॉग, अगर मैं अब करूँ तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास दो कमिट्स आ रहे हैं। सबसे पहले जो कमिट अभी आप लोगों को जो भी लेटेस्ट कमिट है वो आ रहा है यहाँ पे सबसे पहले, एंड उसके बाद जो भी आप लोगों को प्रीवियस कमिट था वो यहाँ पे आ रहा है। अब अगर आप लोग चाहो तो आप लोग अपने प्रीवियस कमिट के ऊपर भी जा सकते हो, आप लोग अपने लेटेस्ट कमिट के ऊपर भी काम कर सकते हो। अब सपोज करो मेरे को इस वाले कमिट के ऊपर वापस जाना है, मैं क्या करूँगा, एक न्यू टर्मिनल को क्रिएट करूंगा, गिट चेकआउट, एंड ये जो हमारे पास टर्मिनल के अंदर एक हैश कोड मिला था ना, हम लोग इसको डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, जिसके थ्रू हम लोग उस वाले कमिट के ऊपर जा पाएंगे। अब चेकआउट जो कमांड होता है उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। चेकआउट बेसिकली आप लोगों को क्या होता है, सपोज करो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक न्यू पेज को क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एक न्यू पेज को ऐड कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि चेकआउट क्या होता है, ठीक है, चेकआउट के बारे में हम लोगों को समझना है। अब सपोज करो आप लोगों ने एक ब्रांच बनाई डेव नाम की, उसके बाद आप लोगों ने एक ब्रांच बनाई तनिष नाम की, ठीक है, डेव और तनिष नाम की आप लोगों ने एक दो ब्रांचेस बनाई। अब आप लोगों ने एक ब्रांच के अंदर कोड किया, ब्रांचेस होती हैं आप लोगों की, सपोज करो आप लोगों की एक मेन ब्रांच होती है, सबसे पहले तो गिटहब के अंदर आप लोगों की एक मेन ब्रांच है, या क्या होगी आप लोगों की एक मेन ब्रांच होगी, ठीक है। अब इस ब्रांच के अंदर से आप लोग अलग अलग ब्रांचेस निकाल सकते हो, एक पेड़ की तरह यहाँ पे आप लोगों की अलग अलग ब्रांचेस निकल जाएंगी अगर आप लोगों को अलग अलग बंदे को काम कर रहे हैं इस एक सेम कोड बेस के ऊपर। तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, अलग अलग ब्रांचेस निकल जाएंगी, एंड यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप लोगों की डेव ब्रांच निकल गई, यहाँ पे आप लोगों की तनिष नाम की ब्रांच निकल गई, या फिर किसी भी नाम की ब्रांच आप लोगों ने बनाई है, वो सारी की सारी ब्रांचेस यहाँ से निकल गई। अब इस ब्रांच के ऊपर आप लोग अलग कोड कर सकते हो, इस वाले ब्रांच के ऊपर आप लोग अलग कोड कर सकते हो, एंड बाद में क्या कर सकते हो, जो ये मेन ब्रांच है ना, ये जो चलती रहती है, इसके अंदर आप लोग बाद में जाके इन सारे कोड को मर्ज कर सकते हो। तो जैसे ही अगर आप लोगों को काम कर रहे हैं, अब जो मेन कोड होता है ना उसको हम लोग कभी भी नहीं छेड़ते हैं, हम लोग डायरेक्टली कभी भी मेन कोड के ऊपर पुश नहीं करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम एक ब्रांच को क्रिएट करते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा डेवलपर क्यों ना हो, सबसे पहले वो एक ब्रांच को क्रिएट करता है ताकि वो चेंजेस को अच्छी तरीके से ट्रैक कर पाए। ब्रांच को क्रिएट करने के बाद उस कोड को रिव्यू करता है, एंड उसके बाद उसको मेन के अंदर मर्ज करता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप लोग कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर जाने वाले हो। अगर आप लोगों ने अपने कोड को, अब सपोज करो आप लोगों ने एक ब्रांच को क्रिएट किया डेव नाम की, आप लोग इन सारी चीज़ों को छोड़ दो एक बार, आप लोगों ने डेव नाम की एक ब्रांच को क्रिएट किया। अब आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों के जो भी कंसोल, आप लोगों के जो भी मेन कोड था, आप लोगों का जो भी मेन कोड था उसके अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ था कि यहाँ पे जो आप लोगों के मेन कोड के अंदर ना कंसोल डॉट लॉग लिखा हुआ था, कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था, ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था। अब आपने क्या किया, आप लोगों ने जो भी डेव के अंदर कोड लिखा ना, आप लोगों ने उसको चेंज कर दिया, आप लोगों ने कर दिया कंसोल डॉट लॉग हेलो दुनिया, ठीक है, मैंने इसको दुनिया कर दिया, ठीक है। अब ये जो चेंजेस है इसको मैं ट्रैक कैसे करूंगा, आप लोगों ने क्या किया, जो मेन कोड था उससे अलग कुछ कोड डेव के अंदर लिख दिया। अब मैं चाहता हूं कि अगर ये कोड सही है तो मैं बाद में इसको मेन के अंदर मर्ज कर दूं, जिसकी वजह से जो ये वाली जो चीज है ना ये पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। अगर मैं इसको मर्ज नहीं करता हूं तो ये अलग से एक ब्रांच के अंदर पड़ी रहेगी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। अब चेकआउट क्या करता है, बेसिकली आप लोगों को ब्रांचेस स्विच करने में हेल्प करता है। अगर आप लोगों को ब्रांच को स्विच करना है ना, तो आप लोगों का जो भी चेकआउट कमांड है ना वो आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सपोज करो मेरे को अभी अपनी ब्रांच को यहाँ पे चेंज करना है, अब जो कमिट है ना वो आप लोगों की एक टेम्प्रेरी ब्रांच को क्रिएट कर देता है। तो अगर मैं इस कोड के अंदर जाना चाहता हूँ ना मेरे प्रीवियस कमिट के अंदर, तो मैं डायरेक्टली इस कमिट के थ्रू जा सकता हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले कोड के अंदर आ चुका हूँ मैं, एंड यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हो चुका है बाई डिफॉल्ट दोबारा से। अब हम लोग अपने प्रीवियस कमिट के ऊपर दोबारा से आ चुके हैं। अब सपोज करो मेरे को दोबारा से अपने चेंजेस के अंदर जाना है, मैं क्या करूंगा, अपने जो भी गिट लॉग है ना उसको दोबारा करूंगा, या फिर मैं यहाँ पे से चेक कर सकता हूँ क्योंकि मैंने एक नया टर्मिनल क्रिएट करके रखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस वाले चेंजेस के अंदर दोबारा से चला जाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, गिट चेकआउट, एंड इसके अंदर मैं दोबारा से चला जाऊँगा, गिट चेकआउट, एंड इसके अंदर मैं डायरेक्टली चला जाऊंगा, जिसके थ्रू ये हेलो दुनिया वापस से हो गया। ये सारे चेंजेस को ट्रैक करने का काम जो है ना वो हमारा गिटहब कर लेता है बहुत ज़्यादा आसान तरीके से। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप लोगों का जो भी गिट लॉग कमांड है वो क्या करता है, आप लोगों के जो भी कमिट्स हैं उनको लिस्ट डाउन कर देता है। आप लोगों का जो भी गिट स्टेटस वाला कमांड है वो क्या करता है, आप लोगों के जो भी चेंजेस है उनको जो भी स्टेजिंग एरिया उसके अंदर दिखाने का काम करता है कि वो जो चेंजेस है वो स्टेजिंग एरिया के अंदर डाल दिए कि नहीं डाले हैं। अगर आप लोगों ने डाल दिए तो वो ग्रीन कलर के अंदर दिखाएगा, अगर नहीं डाले तो रेड कलर के अंदर दिखाएगा। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप लोग गिटहब के थ्रू कर सकते हो।
आप लोगों ने अभी चेंजेस को कर दिया, सपोज करो आप लोग क्या करोगे, गेट चेकआउट मेन कर दोगे, जिसके थ्रू आप लोग दोबारा से इस वाली मेन वाली ब्रांच के ऊपर चले जाओगे। अभी तो यहाँ पे आप लोगों को एक हेक्स कोड लिख के आ रहा है ना, आप लोग दोबारा से मेन के अंदर जा सकते हो। अब मेन के अंदर अगर आप लोग चले गए ना, तब आप लोगों की मेन के अंदर जो भी लेटेस्ट कमेंट है ना, वही आप लोगों को यहाँ पे दिखने वाला है। तो अब हम लोग मेन के अंदर आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मेन के अंदर मेरा कोई भी कोड नहीं है। यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे कुछ भी कोड नहीं दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने कुछ भी चेंजेस को पुश नहीं किया। तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, देख लो अभी एक बार, कुछ भी चेंजेस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, गिट पुश वाले कमांड का यूज करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने चेंजेस को कमिट तो कर दिया, लेकिन अब हम लोगों ने चेंजेस को पुश करेंगे अपने जो भी ओरिजिन है उसके ऊपर। मैं क्या करूंगा, इस वाले कमांड को एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एंड इसको एंटर कर दूंगा, जिसके थ्रू क्या होगा, जो भी मैंने चेंजेस को यहाँ पे किया था वो सारा का सारा अब मेरा गिटहब के ऊपर चला गया। जो हेलो दुनिया वाला कमांड था ना, जो भी कंसोल डॉट लॉग हेलो दुनिया हम लोगों ने लिखा था, वो सारा का सारा अब हमारा गिटहब के ऊपर जा चुका है। अब देखते हैं हम लोग इसको रीलोड करके, तब आप लोग देखोगे कि यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस नाम की फाइल बन के आ जाएगी। मैं आप लोगों को बिना देखे बता रहा हूँ, अभी मेरा नेट बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, क्या ही करूँ मैं, दुनिया में झंड हुई पड़ी है भाई। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस नाम की फाइल क्रिएट होकर आ चुकी है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसके अंदर ब्रांचेस को क्रिएट करके चेंजेस कर सकते हैं। सपोज करो मेरे को एक न्यू ब्रांच को क्रिएट करना है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। आप लोग क्लियर लिखोगे ना, तो आप लोगों को जो भी टर्मिनल है वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद अगर मेरे को एक ब्रांच को क्रिएट करना है, सपोज करो मेरे को क्या करना है, न्यू ब्रांच को क्रिएट करना है डेव नाम की, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, गिट चेकआउट डैश बी, जो ये डैश बी मैंने लिखा है ना, ये वाला जो बी लिखा है मैंने, इसके थ्रू क्या होगा, एक न्यू ब्रांच क्रिएट हो जाएगी, न्यू ब्रांच क्रिएट हो जाएगी आप लोगों की मेन के अंदर से। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों की मेन ब्रांच यहाँ पे जा रही थी, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर सकता हूँ ना, तो ठीक है, यहाँ पे जो मेन ब्रांच आप लोगों की जा रही थी ना, जो ये मेन ब्रांच जा रही थी, अब ये डैश बी वाले कमांड के थ्रू क्या हुआ, मैंने क्या किया, यहाँ से एक न्यू ब्रांच को क्रिएट कर लिया, ताकि जो मेरे मेन वाले जो चेंजेस है ना, वो सारे के सारे सेफ रहे, जो हेलो दुनिया हम लोगों ने लिखा है ना, वो पूरा का पूरा सेफ रहे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डेव नाम की एक न्यू ब्रांच को मैं क्रिएट कर लूंगा। अब जो भी मेरे को चेंजेस करने हैं ना, मैं इस डेव ब्रांच के अंदर करूंगा, ठीक है, ताकि जो मेरा मेन कोड है वो सेफ का सेफ रहे, एंड जो भी मेरे चेंजेस है, जो भी एरर्स आने होंगे, वो सारे के सारे डेव के अंदर ही आ जाएं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू ब्रांच को क्रिएट करेंगे डैश बी, एंड उसके बाद जो भी आप लोगों को एक न्यू ब्रांच का नाम डालना है, वो सारा का सारा आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो, एंड मैं एंटर हिट करूंगा यहाँ पे। अब आप लोगों का जो भी ऑटोमेटिकली जो है नहीं, पूरा का पूरा डेव के ऊपर स्विच हो जाता है, तो यहाँ पे आप लोगों को चिंता करने की ज्यादा जरूरत है नहीं है यहाँ पे। अब सपोज करो मेरे को यहाँ पे कुछ और चेंजेस भी करने, सपोज करो कंसोल डॉट लॉग डेव दुनिया करके हम लोग इसको डाल देते हैं, डेव दुनिया, ठीक है। अब ये दोनों जो कंसोल लॉग स्टेटमेंट्स है ना, वो दोनों के दोनों यहाँ पे शो हो रही है। अब सपोज करो मेरे को इसको कमिट करना है, मैं क्या करूंगा, गिट एड डॉट करूंगा सबसे पहले, तो जिसके थ्रू जो भी मेरी चेंजेस है वो सारे के सारे स्टेजिंग एरिया के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कमिट करूंगा, कमिट के अंदर एक मैसेज डालूंगा, एडेड डेव दुनिया इन इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है, जिसके थ्रू जो भी आप लोगों को अपना मैसेज है उसको स्पेसिफाई कर पाओगे। एंटर हिट करूंगा, यहाँ पे आप लोगों की जो भी कमिट है वो यहाँ पे हो चुका है, एंड यहाँ पे भी आप लोगों को पहले ग्रीन कलर का आ रहा था, यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही थी, वो सारी की सारी यहाँ पे हट चुकी है, एंड यहाँ पे आप लोगों को नॉर्मल कलर देखने को मिल रहा है। अब सपोज करो मैं यहाँ पे दोबारा गिट लॉक करता हूँ, ठीक है, गिट लॉक करता हूँ मैं दोबारा से। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे एडेड डेव दुनिया टू इंडेक्स डॉट जेएस, अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि हेड डेव है। अब यहाँ पे हमारा सबसे पहले हम लोग मेन के अंदर ही सारा काम कर रहे थे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डेव के अंदर जो भी सारा काम है वो सारा का सारा यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को कमिट हिस्ट्री दिखा रहा है, अगर मैं इसके अंदर एक और कमिट भी करूंगा ना, तो मैं डायरेक्टली प्रीवियस कमिट के ऊपर जंप कर सकता हूँ, जो कि मैंने आप लोगों को मेन के अंदर दिखाया। अब सपोज करो मैं क्या करता हूँ, इसको पुश कर देता हूँ, अपने जो भी चेंजेस है ना उनको पुश कर देता हूँ, मैं एक न्यू टर्मिनल को क्रिएट करता हूँ, एंड यहाँ पे जो भी हम लोगों ने चेंजेस को किया है ना, गिट स्टेटस कर लेते हैं सबसे पहले। तो अभी जो चेंजेस हम लोगों ने कमिट कर दिए, तो बेसिकली जो भी चेंजेस है ना, हम लोग डायरेक्टली उनको पुश कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, गिट पुश यहाँ पे लिखेंगे एंड एंटर हिट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक ना कमांड आ जाता है, ये ना थोड़ा सा आलस की वजह से है, मैं ये पूरा का पूरा कमांड टाइप नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करता हूँ, इसको गिट पुश कर देता हूँ, ये ऑटोमेटिकली एक एरर थ्रो करता है, एंड उसके बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे एज इट इज, ठीक है। आप लोग भी ऐसे कर सकते हो अगर टाइम सेव करना है, वरना इसके लिए आप लोग ओरिजिन स्लैश डेव का भी यूज कर सकते हो। मैं ज्यादा चीजें करता नहीं हूँ, मैं इसको करता हूँ एंड डायरेक्टली मेरा जो भी कोड है उसको मैं पुश कर सकता हूँ। अगर मैं इस वाले कमांड को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तब आप लोग देखोगे एंटर हिट करने पे एक डेव नाम की ब्रांच के अंदर जो भी मेरा कोड है वो यहाँ पे पुश हो जाएगा। एंड अगर मैं आप लोगों को गिटहब के अंदर जाके दिखाऊं पुल रिक्वेस्ट के अंदर, या फिर पुल रिक्वेस्ट के अंदर अभी मत जाओ, पुल रिक्वेस्ट की बजाय आप लोग कोड के अंदर जाके आप लोग देखोगे कि यहाँ पे मेन की बजाय ना आप लोगों के पास अलग ब्रांचेज भी आ चुकी है। यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है कि डेव हैड रीसेंट पुशेस लेस देन अ मिनट अगो, ये सारी चीजें ऑलरेडी आ चुकी है, एंड यहाँ पे आप लोगों की दो ब्रांचेज आ चुकी है। तो बेसिकली आप लोगों के पास दो ब्रांचेज यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, मेन आप लोगों की मेन ब्रांच है जिसके अंदर आप लोगों का मेन कोड यहाँ पे स्टोर्ड है,
डेव आप लोगों की अलग ब्रांचेस जिसके अंदर आप लोगों ने अलग जो भी चेंजेस किए हैं ना वो सारे के सारे वहाँ पे स्टोर है। सपोज करो आप लोग अपनी डेव के अंदर जाते हो, यहाँ पे मेन के अंदर आप लोग जाके डेव को सिलेक्ट कर लेते हो, तब आप लोग इसके कोड के अंदर जाके देखोगे ना तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि डेव दुनिया यहाँ पे लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो डेव है उसके अंदर आप लोगों ने इस वाले कोड बेस को यहाँ पे पुश किया। अब ये जो कोड है ये मेन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहा है, ये अब तक मेन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहा है, इसके अंदर अलग ही टोटल डिफरेंट चेंजेस पड़े हैं। अगर आप लोग चाहो ना तो इसके अंदर ही डिफरेंट टैब को क्रिएट करके डाल सकते हो। आप लोगों को अगर कुछ भी चीज़ें करनी है ना तो आप लोग सेपरेट ब्रांच के अंदर हमेशा क्रिएट करके करते हो। अगर आप लोगों को ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन भी करनी है ना तब भी आप लोग एक न्यू ब्रांच को क्रिएट करके ही वहाँ पे करते हो। तब आप लोगों ने यहाँ पे एक न्यू ब्रांच को क्रिएट कर लिया। अब मैं इसके लिए एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। अब पुल रिक्वेस्ट में थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाओगे, मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे एक न्यू इसको पेज को क्रिएट करता हूँ एंड यहाँ पे आप लोगों को समझाता हूँ कि पुल रिक्वेस्ट होती क्या है। ठीक है, पुल रिक्वेस्ट क्या होती है? पुल रिक्वेस्ट, अब सपोज करो यार मैं थोड़ी सी राइटिंग थोड़ी सी करेंगे, थोड़ा सा प्लीज एडजस्ट विद मी। ठीक है, यहाँ पे मैंने पुल रिक्वेस्ट यहाँ पे लिख दिया। अब सपोज करो आप लोगों ने डेव के अंदर कोड लिख दिया, आप लोगों ने डेव के अंदर कोड लिख दिया एंड आप लोगों की मेन के अंदर कोड भी है, आप लोगों की मेन के अंदर जो भी आप लोगों का मेन कोड है वो सारा का सारा आप लोगों की मेन के अंदर है। अगर अब आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों को इस डेव के अंदर से इस मेन के अंदर कोड को डालना है तब आप लोग क्या करोगे, इसके अंदर एक पीआर को क्रिएट करोगे। पीआर क्या होता है आप लोगों का? पीआर क्या होता है आप लोगों का? पुल रिक्वेस्ट होता है, इसको आप लोग पीआर भी कहते हो। बेसिकली जो भी आप लोगों की कॉर्पोरेट्स होती है ना उसके अंदर पीआर का यूज़ करते हैं हम लोग, पुल रिक्वेस्ट बार बार नहीं बोलते, पीआर का यूज़ करते हैं, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, अगर अब मेरे को डेव वाले चेंजेस को मेन के अंदर मर्ज करना है तब मैं क्या करूँगा, एक पुल रिक्वेस्ट को क्रिएट करूँगा डेव के अंदर से। मैं क्या करूँगा, एक पुल रिक्वेस्ट को क्रिएट करूँगा कि जो मेरा कोड है ना प्लीज़ मर्ज कर लो। जो डेव है वो क्या कह रहा है, जो डेव है वो मेन को क्या कह रहा है कि जो मेरा कोड है उसको प्लीज़ मर्ज कर लो अपने कोड के अंदर। उसके लिए एक रिक्वेस्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं पुल रिक्वेस्ट के तौर पे, जिसके थ्रू हम लोग बता पा रहे हैं कि जो भी आप लोगों का मेन के अंदर कोड है ना मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। डेव क्या कह रहा है, मैंने कुछ चेंजेस किए हैं प्लीज़ उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर लो, मेरा प्रपोजल प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो। जो डेव है हमारा वो ये चीज़ें कह रहा है। डेव हमारा पूरा हरामी टाइप का बंदा जो पूरा दिन प्रपोज करता रहता है, ये आशिक है पूरा। ठीक है, ये पूरा का पूरा आशिक है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग जाएंगे अपने गिटहब के अंदर एंड यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, एक पुल रिक्वेस्ट को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे जाओगे पुल रिक्वेस्ट के अंदर, यहाँ पे एक न्यू पुल रिक्वेस्ट नाम का एक बटन दिख रहा होगा, मैं डायरेक्टली वहाँ से भी कर सकता था लेकिन मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, अभी यहाँ पे आप लोगों का बेस है। बेस क्या होता है, बेस क्या होता है, बेबी को बेस पसंद है वाला बेस क्या होता है? ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरा पेन जो है इसको लेके आता हूँ एंड यहाँ पे जो आप लोगों का बेस है ये आप लोगों का बेस है। ठीक है, अब बेस ब्रांच कौन सी थी हमारी, मेन थी ना, आप लोगों ने यहाँ पे देखा था ना कि बेस जो थी हमारी वो मेन थी। ठीक है, जो बेस थी हमारी मेन थी। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने एक डेव ब्रांच को क्रिएट किया था। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जो हम लोगों ने डेव ब्रांच को यहाँ पे क्रिएट किया था ना, अब मैं क्या कह रहा हूँ उसको ना प्लीज़ मर्ज कर दो। ठीक है, जो ये डेव वाला कोड है ना अब उसको मर्ज करना है। तब हम लोग क्या करेंगे, तब भी हमारा जो बेस है वो तो मेन ही रहेगा ना एंड जो हमारी जो कंपेयर जिसके साथ हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं वो हमारा डेव रहेगा। सपोज करो आप लोगों ने एक ब्रांच को क्रिएट किया, डेव नाम की ब्रांच को क्रिएट किया, आप लोगों ने कुछ चेंजेस को क्रिएट किया। अब आप लोग किस ब्रांच के अंदर उसको पुश करोगे दोबारा से, आप लोग किसके अंदर उसको मर्ज करोगे दोबारा से, मेन के अंदर ही दोबारा से मर्ज करोगे ना। तब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे एक पीआर क्रिएट करोगे, एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करोगे फॉर द मेन ब्रांच जिसके अंदर हम लोग डेव ब्रांच के कोड को पुश करना चाहते हैं। ठीक है, आप लोग एक पीआर को क्रिएट कर दोगे, यहाँ पे ये चेंजेस को आप लोगों को दिखा देगा कि आप लोगों ने हेलो दुनिया की जगह यहाँ पे हेलो दुनिया प्लस डेव दुनिया को भी यहाँ पे डाल दिया है। तो ये जो चेंजेस है, ये हमारा जो भी वीएस कोड है ये सारी चीज़ें ट्रैक कर लेता है। वीएस कोड नहीं ट्रैक करता, आप लोगों का जो भी डॉट गिट वाली फाइल होती है ना वो सारी की सारी ये सारी चीज़ें ट्रैक कर लेती है एंड यहाँ पे आप लोगों को चेंजेस दिख रहे हैं। अब आप लोग यहाँ पे आसानी से एक पीआर को क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को कोई भी एक मैसेज डालना है वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे डाल के एक पीआर को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों की एक पीआर क्रिएट हो चुकी है। अब अगर मैं चाहूँ तो इस पीआर के थ्रू मैं अपने कोड को मर्ज भी कर सकता हूँ। अभी हम लोगों ने क्या किया, अभी तक तो हम लोगों ने अपने जो भी मेन है ना, जो भी डेव है उसने मेन को प्रपोज किया। ठीक है, मेन को प्रपोज किया। ठीक है, अब जो मेन है ना उसके हाथ में है कि वो उसको एक्सेप्ट करे कि नहीं। ठीक है, जो मेन है ना उसके हाथ में है कि वो उसको उसके जो भी प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट करे कि नहीं। तो जो हमारा मेन है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसी वजह से जो सारे जो भी ब्रांचेज है ना वो सारे के सारे मेन पे मरते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने एक पीआर को क्रिएट कर दिया। अब जो मेन ब्रांच का जो भी हमारे पास जो भी सीनियर जो भी मैनेजमेंट होती है, सब उसको आप लोगों की कंपनी का सीटीओ हो गया, जो भी आप लोगों का सीनियर डेवलपर हो गया, वो सारे के सारे आप लोगों के मेन के अंदर कोड को मर्ज कर सकते हैं। तो उन बंदों के पास ही जो भी कोड है ना उसको मर्ज करने की एक्सेस होती है। आप लोग खुद भी मर्ज कर सकते हो लेकिन आप लोगों को उनकी परमिशन लेनी पड़ती है उससे पहले। अगर आप लोग किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो ना तो आप लोग कभी भी कोड को डायरेक्टली मर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेन कोड होता है ना हमारा, जो ये मेन कोड होता है हमारा,
इसके अंदर अगर कुछ चेंजेस आते हैं ना तो पूरी कंपनी का सॉफ्टवेयर क्रैश करता है। अगर आप लोगों ने CI/CD ऑलरेडी सेटअप करके रख रखा है ना, तब आप लोगों के बहुत ज्यादा चीजें क्रैश हो जाती है, तब आप लोग कोड को डायरेक्टली मर्ज नहीं कर सकते। तब आप लोग क्या करते हो, एक PR को क्रिएट करते हो, जो भी आप लोगों का जो भी सीनियर डेवलपर है वो उस कोड को रिव्यू करता है। यहाँ पे जाके वो फाइल चेंज के अंदर जाके इस चीज को रिव्यू कर सकता है कि अच्छा इसने ये चेंजेस किए, हेलो दुनिया की जगह इसने डेव दुनिया भी यहाँ पे डाल दिया। अब उस बंदे को अगर लगा कि ये चेंजेस ठीक है, अच्छे इसको हम मर्ज कर सकते हैं, तो हम लोग इसको डायरेक्टली यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं। सपोज करो आप लोगों के चेंजेस यहाँ पे वेरीफाई हो गए, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन वाले चेंजेस को यहाँ पे मर्ज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं मर्ज पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करके इस वाले जो पुल रिक्वेस्ट है उसको मर्ज कर सकता हूँ मेन के अंदर। अब यहाँ पे मैं मर्ज पे क्लिक करूंगा ना, अगर मैं मर्ज पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे पास डेव के अंदर जो भी कोड था अभी, ये क्या था, सपोज करो मैं यहाँ पे इरेजर कहाँ गई, ठीक है, ये वाला जो कोड था अभी तक हम लोगों ने मर्ज किया नहीं था। अब जो ये कोड है ना, सपोज करो यहाँ पे जो कोड, अरे भाई, अब जो यहाँ पे ये कोड था ना जो कि अलग ब्रांच के अंदर था, ये क्या था, एक ब्रांच के अंदर था, ठीक है। अब इस ब्रांच को मैं क्या करूँ कि यहाँ पे इसको मर्ज कर दो, जो चेंजेस थे ना वो सारे के सारे इसके अंदर ले आओ। अब इस मेन ब्रांच के अंदर क्या था, इस मेन ब्रांच के अंदर था कंसोल डॉट लॉग हेलो दुनिया वाला, ठीक है हेलो दुनिया वाला था, ठीक है। अब डेव के अंदर क्या आ रहा है, अब डेव के अंदर आ रहा है दुनिया वाला भी है प्लस आप लोगों का डेव दुनिया वाला भी है, ठीक है। आप लोगों के दोनों कंसोल लॉग स्टेटमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगी। अब आप लोगों को जो भी यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं ना, यहाँ पे फाइल चेंज के अंदर जाके देखोगे आप लोग, तो ये वाला जो चीज है अगर आप लोग इसको मर्ज कर लोगे ना तो ये फाइनल चेंजेस ये वाले आ जाएंगे आप लोगों के मेन के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप लोगों की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम होती है ना, तब वो अलग अलग फीचर्स के ऊपर काम करती है एंड उन अलग अलग फीचर्स को हम लोग अपने मेन कोड के अंदर मर्ज कर लेते हैं अगर वो फीचर्स वेरीफाई हो जाते हैं। तो ये चीज बहुत ज्यादा सिंपल है, अगर आप लोगों को समझ में आ जाती है, ये चीज एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तब आप लोग इस वाले वीडियो को लाइक कर सकते हो। ये वाली वीडियो दूसरी बार में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पिछली वाली जो वीडियो थी वो 40-50 मिनट की, वो क्रैश हो गई है पूरी की पूरी, उसको दोबारा से बनाया मैंने भी, तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन। तो अभी हम लोगों ने अपनी जो भी PR है उसको क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मर्ज कर सकता हूँ। यहाँ पे कंफर्म मर्ज पे क्लिक करूंगा एंड ये जो कोड है ये हमारा मेन ब्रांच के अंदर मर्ज हो जाएगा। ये जो PR यहाँ पे क्रिएट हुई थी ना, यहाँ पे ये वाली जो चीज है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा कोड है वो अब मेन के अंदर आ चुका है। एंड अगर आप लोग अपने मेन के अंदर जाओगे ना, ये मेन ब्रांच है, अगर आप लोग अब इसके अंदर जाओगे ना, तब आप लोग देखोगे कि यहाँ पे डेव दुनिया वाला जो कोड है वो यहाँ पे आ चुका है। तो जो डेव वाली जो ब्रांच थी ना वो सक्सेसफुली इसके अंदर मर्ज हो चुकी है एंड यहाँ पे जो आप लोगों का गिटहब है ना वो बहुत ज्यादा हद तक यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ मेन कमांड होते हैं, सपोज करो यहाँ पे कुछ बस बेसिक से कमांड होते हैं जो कि आप लोगों के पास बहुत ज्यादा मेन होते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला कमांड होता है एड वाला कमांड, जिसके थ्रू आप लोग अपनी जो भी चीज है उसको स्टेजिंग एरिया के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। उसके बाद होता है हमारे पास कमिट, ठीक है, जो भी आप लोगों ने चेंजेस किया उसको कमिट करने का काम होता है। बेसिकली कमिट का मतलब क्या होता है, आप लोगों का जो भी कोड है उसको पुश कर देना, ठीक है, आप लोगों को अपने जो भी कोड है उसको फाइनलाइज करना है। सपोज करो आप लोग अपने कोड को फाइनलाइज करना है, तब आप लोग क्या करोगे, उसके लिए कमिट डाल दोगे एंड उसके बाद अपनी जो भी चीजें हैं उसको कंटिन्यू करोगे। सपोज करो आप लोगों ने एक फीचर को क्रिएट कर दिया एंड अगर आप लोग नहीं चाहते कि मैं उस फीचर को स्पॉइल करूं ऑन दैट सेम ब्रांच, तब आप लोग क्या करोगे, कमिट का यूज करके उस चीज को कमिट कर दोगे एंड अगर आप लोग उस कमिट के ऊपर दोबारा वापस आना चाहते हो आप लोग किसी भी वक्त आ सकते हो। उसके बाद होता है हमारे पास पुश वाला कमांड, जिसके थ्रू आप लोग अपने जो भी ओरिजिन है उसके ऊपर उन सारी चीजों को पुश कर सकते हो, जो भी पुश टू ओरिजिन करने के लिए आप लोगों का पुश वाला कमांड यूज होता है। उसके बाद होता है हमारे पास लॉग वाला कमांड, लॉग वाले कमांड के थ्रू आप लोग जो भी कमिट्स है ना उनको लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद होता है हमारे पास स्टेटस वाला कमांड, स्टेटस वाला कमांड क्या करता है, आप लोगों के जो भी चेंजेस है ना स्टेजिंग एरिया को रिप्रेजेंट करता है, हमारा जो भी स्टेटस है ना स्टेजिंग एरिया को रिप्रेजेंट करता है कि स्टेजिंग एरिया के अंदर कौन कौन से चेंजेस हैं, कौन कौन से चेंजेस नहीं है, आप लोगों ने ऐड कर दिए कि नहीं कर दिए, ये सारे का सारा हमारा जो भी स्टेटस वाला कमांड है वो रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद होता है हमारे पास जो भी गिट पुल, गिट पुल भी बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट कमांड होता है। गिट पुल बेसिकली आप लोगों को क्या होता है, सपोज करो आप लोगों ने एक ब्रांच को क्रिएट किया, मैं क्या करता हूँ न्यू फाइल को यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एंड यहाँ पे गिट पुल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। पुल बेसिकली आप लोगों को क्या होता है, अगर आप लोगों ने मेन के अंदर कुछ कोड कर दिया, सपोज करो आप लोगों ने अभी तो मेन के अंदर क्या लिखा हुआ है, आप लोगों का दुनिया लिखा हुआ है हेलो दुनिया एंड आप लोगों का जो भी डेव दुनिया वो लिखा हुआ है। अब अगर आप लोगों ने मेन के अंदर कुछ और कोड भी ऐड कर दिया, सपोज करो किसी बंदे की जो PR है आपसे पहले मर्ज हो गई, उस बंदे ने कुछ चेंजेस कर दिए, सपोज करो आप लोगों की index.js वाली फाइल थी ना उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई थी, अब उस बंदे की PR की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे दुनिया हेलो दुनिया डेव दुनिया और एक छपरी दुनिया भी आ गई, ठीक है, छपरी दुनिया भी आ गई। अब उस बंदे की चेंजेस की वजह से आप लोगों को जो भी चेंजेस है वो पीछे चले गए, आप लोग डेव ब्रांच के ऊपर हो अभी, आप लोग डेव ब्रांच के ऊपर हो एंड आप लोगों के जो भी चेंजेस है वो पीछे चले गए। सपोज करो आप लोगों ने यहाँ पे तो कुछ चेंजेस किए नहीं, आप लोगों ने index.js के अंदर तो कुछ चेंजेस किए नहीं, लेकिन आप लोगों ने एक न्यू फाइल क्रिएट कर दी, आप लोगों ने एक न्यू फाइल .js नाम की एक फाइल को क्रिएट कर दिया
जिसके अंदर आप लोगों ने एक अलग कोड को यहाँ पे लिखा है। तो आप लोगों की जो ब्रांच है ना वो पीछे रह चुकी है, आप लोगों का जो भी ओरिजिन है ना, जो भी आप लोगों का ओरिजिन है उसके अंदर जो कोड है वो आगे बढ़ चुका है, जो कोड है वो आगे बढ़ चुका है, एंड जो भी आप लोगों का डेव के अंदर कोड है ना वो थोड़ा सा पीछे रह चुका है। तो आप लोगों को क्या करना है, उस कोड को अपने जो भी चीजें हैं उसको मर्ज करने के लिए आप लोग क्या करोगे, आप लोगों के दो ऑप्शंस होते हैं, गिट पुल भी कर सकते हो, आप लोग गिट मर्ज का भी यूज कर सकते हो। मर्ज बेसिकली आप लोगों को क्या होता है, मर्ज बेसिकली आप लोगों को क्या होता है, मैंने आप लोगों को दिखाया था ना यहाँ पे ये वाली जो चीज दिखाई थी, ये चीज क्या कर रही है यहाँ पे, इस चीज को यहाँ पे मर्ज कर रही है, गिट मर्ज कर रही है यहाँ पे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे को उन चेंजेस को लेके आना है, सपोज करो मेरे को अपने मेन वाले चेंजेस को अपने डेव के अंदर लेके आना है, मेन वाले चेंजेस को अपने डेव के अंदर लेके आना है जो कि मेन के अंदर चेंजेस हुए हैं, तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जो गिट मर्ज वाला कमांड है ना वो डेव के अंदर यूज कर सकता हूँ। गिट मर्ज अगर मैं मेन करूंगा ना तो ये क्या करेगा, मेन जो ब्रांच है ना हमारी उसको डेव के अंदर मर्ज कर देगा, ये जो मेन वाली ब्रांच है ना उसको डेव के अंदर मर्ज कर देगा, ये ऐसे नहीं जाएगा, ये मेन वाली जो ब्रांच है ये ऊपर की तरफ जाएगी, जिसकी तरफ जो हमारा मेन वाला कोड है ना वो डेव के अंदर मर्ज हो जाएगा। ये चीजें जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। तो सपोज करो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने वीएस कोड के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, गिट चेकआउट मेन कर लेता हूं, ठीक है, मैं अपनी मेन ब्रांच के अंदर जाता हूं। अब देखो यहां पे जब भी मैंने मेन के अंदर चेकआउट किया तो यहां पे क्या हुआ यहां पे जो मेन वाला जो कोड है, यहां पे अगर आप लोग देखोगे ओरिजिन के अंदर तब आप लोगों को ये वाली चीजें दिख रही है, डेव दुनिया भी ऐड हो चुका है, लेकिन जो हमारे पास जो कोड है मेन का कोड है उसके अंदर वो चीज नहीं ऐड हुई है। क्यों नहीं ऐड हुई है, क्योंकि हम लोगों ने उसको ओरिजिन से पुल नहीं लिया, आप लोगों ने ओरिजिन से पुल नहीं लिया, तभी आप लोगों के पास जो भी लेटेस्ट चेंजेस है वो नहीं है आप लोगों के पास। उस केस में आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे गिट पुल करोगे मेन के अंदर ही, क्योंकि आप लोगों के मेन के अंदर जो रिमोट के चेंजेस है ना, रिमोट ब्रांच के अंदर जो भी चेंजेस है वो सारे के सारे आप लोगों की लोकल ब्रांच के अंदर भी आ जाए, तभी आप लोग गिट पुल का यूज करोगे। जैसे ही मैं गिट पुल को यहाँ पे यूज करूंगा ना, तब आप लोग देखोगे यहाँ पे डेव दुनिया भी ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, पुल का यूज करने से ये ऐड हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आप लोगों के डेव जो भी आप लोगों की रिमोट ब्रांच थी ना उसके अंदर आप लोगों के पास दो चेंजेस थे, आप लोगों के पास हेलो दुनिया भी थी और डेव दुनिया भी थी, एंड जो करंट कोड बेस था उसके अंदर आप लोगों के पास सिर्फ हेलो दुनिया ही था। अब आप लोगों ने क्या किया था, आप लोगों ने रिमोट के अंदर तो उसको मर्ज कर दिया, लेकिन यहाँ पे तो मर्ज नहीं किया ना भाई, तो यहाँ पे मर्ज करने की बजाय आप लोग क्या करोगे, मेन के अंदर से पुल ले लोगे, जिसके थ्रू जो भी आप लोगों का लेटेस्ट कोड है वो सारा का सारा आप लोगों के पास आ जाएगा। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ जाते हैं कई बार, अगर आप लोगों ने मेन के अंदर कुछ अलग ही चेंजेस कर दिए हैं जो कि आप लोगों के एग्जिस्टिंग चेंजेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तब वो चीजें आप लोगों को खुद से समझनी पड़ेंगी। अगर आप लोगों के चेंजेस के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ना, तब आप लोगों के पास कुछ ऐसा सा देखने को मिल जाता है। ये चीजें क्या कह रही हैं, अगर आप लोगों को अपने करंट चेंजेस को एक्सेप्ट करना है या फिर आप लोगों को जो भी ओरिजिन से चेंजेस आए हैं उनको एक्सेप्ट करना है, ये सारी चीजें क्यों करते हैं हम लोग। सपोज करो आप लोगों के पास, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सेव इमेज को डाउनलोड कर देता हूँ मैं इसको, एंड यहाँ पे आप लोगों को रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे जो चीज है ना, मैंने यहाँ पे क्या किया, जो इमेज थी ना उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, अगर आप लोगों की जो भी करंट चेंजेस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप लोग क्या करोगे, एक्सेप्ट करंट चेंज वाले बटन पे क्लिक कर दोगे। अगर जो चेंजेस हैं वो डेवलपमेंट वाले जो आप लोगों की मेन के अंदर जो चेंजेस थे ना, अगर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तब आप लोग क्या करोगे, एक्सेप्ट इनकमिंग चेंज पे क्लिक कर दोगे, जिसके थ्रू क्या होगा, जो भी आप लोगों के इनकमिंग चेंजेस थे ना वो यहाँ पे आप लोगों के कमिट हो जाएंगे, कमिट कह रहा हूँ मैं बेसिकली, वो यहाँ पे आप लोगों के ऐड हो जाएंगे। अगर आप लोग एक्सेप्ट करंट चेंज के ऊपर क्लिक करोगे ना, तब आप लोगों को जो भी करंट चेंज है ना वो यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है, रहेगा, ये होते हैं ना स्पेलिंग, मैं हिंदी बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों को जो भी करंट चेंजेस है उनको रखना है, तब आप लोग एक्सेप्ट करंट चेंज वाले बटन पे क्लिक करोगे। अगर आप लोगों के इनकमिंग चेंजेस को रखना है, तब आप लोग एक्सेप्ट इनकमिंग चेंज वाले बटन पे क्लिक करोगे। ये चीजें कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर आ जाती हैं, अगर आप लोग किसी भी कंपनी के अंदर काम करते हो ना, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि कई बार जो भी आप लोगों की पीआर है वो लेट मर्ज होती है, कई बार किसी और की पीआर पहले मर्ज हो जाती है, कई बार आप लोगों की पीआर मर्ज नहीं होती है, तब भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। तो इन सारी चीजों का आप लोगों को खुद से ध्यान रखना है। आप लोगों के पास बहुत सारे कमांड्स आप लोगों ने आज सीख लिए हैं, आप लोगों के पास जो भी मेन कमांड्स होते हैं ना वो यही होते हैं। अगर आप लोगों को पीआर वगैरह क्रिएट करना आ चुका है, हिट दैट लाइक बटन, क्योंकि आप लोगों को इतनी सारी चीजें आ चुकी हैं। इश्यूज वगैरह के अंदर कुछ नहीं होता है, अगर आप लोगों को कुछ भी एक इशू आ गया अपनी ऐप के अंदर, आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ भी इशू आ गया, तो आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ये आप लोगों को बेसिकली एक टू डू लिस्ट है, आप लोगों को अगर कोई भी एक इशू है उसको रिजोल्व करना है, तब आप लोग इसको यहाँ पे इश्यूज के अंदर क्रिएट कर सकते हो, जिसके थ्रू आप लोगों के पास एक ट्रैक रहेगा कि अच्छा ये इश्यूज हमारे पास है एंड इन इश्यूज को हम लोगों को रिजोल्व करना है। कुछ कंपनी इसको यूज करना प्रेफर करती हैं, या फिर कुछ कंपनी ट्रेलो बोर्ड्स को प्रेफर करती हैं। तो इन सारी चीजों को आप लोगों को ध्यान से समझना है, ध्यान से करना है। अब इसके अलावा हमारे पास एक और चॉइस भी होती है, अगर आप लोगों को टर्मिनल के अंदर कोड नहीं करना है, तब आप लोग क्या कर सकते हो, इस गिटहब डेस्कटॉप नाम की ऐप का यूज कर सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ इस चीज़ का। अब मैंने टर्मिनल का यूज़ करना गिटहब के लिए तो बहुत ज़्यादा बंद कर दिया, मैं डायरेक्टली यहाँ पे से यूज़ करना शुरू कर सकता हूँ। सपोज करो अगर मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए, सपोज करो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग छपरी दुनिया भी डाल देता हूँ, ठीक है, मैंने मेन के अंदर अगर कमिट करना है, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ,
इसके लिए एक न्यू ब्रांच भी क्रिएट कर सकता हूँ। सपोज करो मैं यहाँ पे एक न्यू ब्रांच को क्रिएट करता हूँ, छपरी दुनिया करके, ठीक है। मैंने एक न्यू ब्रांच का नाम डाल दिया यहाँ पे छपरी दुनिया। मैं यहाँ पे क्रिएट ब्रांच करूंगा। अगर मेरे को अपने चेंजेस हैं उनको मेन पे छोड़ना है तो मैं छोड़ सकता हूँ। अगर मेरे को अपने जो भी चेंजेस हैं, जो भी मैंने अभी चेंजेस किया है, उनको अपनी इस ब्रांच के ऊपर लेके आना है, छपरी दुनिया वाली ब्रांच के ऊपर, तो मैं उनको लेके आ सकता हूँ। अब मेरे को जो छपरी दुनिया वाला जो कोड है वो छपरी दुनिया वाली ब्रांच के अंदर ही रखना है। तब आप लोग क्या करोगे, इसको ब्रिंग माई चेंजेस जो छपरी दुनिया करके ले आओगे। यहाँ पे आप लोगों की न्यू ब्रांच क्रिएट हो चुकी है। अब आप लोग क्या कर सकते हो, अब इस सॉफ्टवेयर का क्या फायदा है, अगर आप लोगों को जो भी अपने चेंजेस है ना उनको लाइव देखना है कि आप लोगों ने क्या क्या चेंजेस किया है। सपोज करो आप लोगों ने यहाँ पे डेव दुनिया को यहाँ पे चेंज किया, आप लोगों ने डेव दुनिया को यहाँ पे चेंज करके छपरी दुनिया कर दिया, डेव दुनिया प्लस छपरी दुनिया कर दिया, तो यहाँ पे आप लोगों को लाइव दिख रही है, जबकि टर्मिनल के अंदर आप लोगों को ये सारे चेंजेस लाइव नहीं दिखते हैं। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, इन सारे चेंजेस को वेरीफाई कर सकते हो। अगर ये चेंज डालना है, अगर आप लोगों को ये वाला चेंज डालना है, तब आप लोग इस वाले चेंज को डाल सकते हो। अगर नहीं डालना है तब आप लोग क्या कर सकते हो, इसको डिस्कार्ड कर सकते हो, एंड ये वाला जो चेंज है वो यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको डिस्कार्ड करके आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखोगे डोंट शो दिस मैसेज अगेन एंड डिस्कार्ड चेंजेस पे आप लोग क्लिक कर दोगे, तब आप लोगों को जो भी छपरी दुनिया वाला जो कोड है वो यहाँ से चला जाएगा। अब मैं इसको दोबारा ऐड कर देता हूँ, तब आप लोग देखोगे कि यहाँ पे ये दोबारा दिखा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन सारे चेंजेस को यहाँ पे पुश कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डायरेक्टली कमिट का जो भी मैसेज है ना वो यहाँ पे मैं डाल दूंगा। सपोज करो मैं यहाँ पे करता हूँ एडेड छपरी दुनिया इन इंडेक्स डॉट, ठीक है, जेएस, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कमिट कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास पब्लिश ब्रांच का ऑप्शन आता है कि हम लोगों ने जो भी एक ब्रांच को यहाँ पे क्रिएट किया है ना, हम उसको पब्लिश कर दें, हम लोगों जो भी रिमोट है उसके अंदर ये जो ब्रांच है वो चली जाए। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पब्लिश ब्रांच के ऊपर क्लिक करूँगा, एंड ये जो ब्रांच है वो हमारी पब्लिश हो चुकी है। अगर मैं चाहूँ तो अब मैं इसके लिए एक पुल रिक्वेस्ट को क्रिएट कर सकता हूँ, एंड यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ होती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाती है। ये सारी चीज़ें आप लोग खुद भी करके देख सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी ये लिख के आ चुका है एडिट छपरी दुनिया इन इंडेक्स डॉट जेएस। मैं यहाँ पे पीआर को क्रिएट कर सकता हूँ, एंड उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं डायरेक्टली मर्ज कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। यहाँ पे मैं मर्ज कर दूंगा, एंड उसके बाद जो मेरा जो चेंजेस है वो सारे के सारे मेन के अंदर चले जाएंगे। ये चीज़ें जो है वो इस GitHub डेस्कटॉप नाम के सॉफ्टवेयर के थ्रू बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। बहुत सारे लोग इसके अंदर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, गिट मर्ज वगैरह लिखने के अंदर, गिट पुल वगैरह लिखने के अंदर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आप लोगों को कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रिजोल्व कराना तो यहाँ से आप लोग डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रिजोल्व कर सकते हो। ये सारी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट के अंदर यूज़ की जाती हैं, ये सारी चीज़ें गूगल के अंदर यूज़ की जाती हैं। तो आप लोगों को इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से करना है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है, तभी आप लोग इन सारी चीज़ों के अंदर सक्सेसफुल हो पाओगे। अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन वाली वीडियोज़ को बनाने में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।